न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। हेलमेट मैन ने ऋषिकेश में आकर काफी लोगों को हेलमेट बांटे और लोगों को हेलमेट पहनने के को कहा। साथ ही उन्होंने शपथ ग्रहण कराई कि वो कभी बिना हेलमेट के अपना दो पहिया वाहन नहीं चलाएंगे और अगर कार चलाते हैं तो बिना सीट बेल्ट के नहीं चलाएंगे। ऐसा ही एक कार्यक्रम में उन्होंने ऋषिकेश के प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर गंगा के तट पर लगभग 100 लोगों को मसाल जलाकर जागरूक करने की कोशिश की। बिना हेलमेट के वो अपना वाहन नहीं चलाएंगे, साथ ही उन लोगों को शपथ ग्रहण कराई गंगा किनारे शपथ ग्रहण करें और हमेशा हेलमेट पहने, साथ ही छोटी जगह पर भी जाना हो तो हेलमेट पहनकर जरूर जाए। हेलमेट मैन की बात करें तो वो लगभग 26 प्रदेशों में घूमकर लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक करते हैं और उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें रोड सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसलिए उन्होंने अभी 4 शहरों में हेलमेट के लिए लोगों को जागरूक कर सीट बेल्ट पहन के वाहन चलाने के लिए लोगों से निवेदन किया और उनको समझाया कि इससे कितना दुष्परिणाम है। बड़ा खुश हूँ आज देवभूमि की सड़कों पर जिनमें हेलमेट पार करके और शाम को माँ गंगा मैया से दुआ मांगने निवेदन करने आया हुआ था कि जिस प्रकार सड़क हादसों में जो लोगों की शमशान घाट में चिताएँ जल रही है और उनकी अस्थियां बहाने के लिए भारत के कोने कोने के परिवार से लोग आते हैं एक श्रद्धा लेकर के, ताकि वो अस्थियां रुक जाए और यहाँ से जो वो परिवार है जो अपनों को खो चुके हैं उन्हें एक माँ गंगा एक शक्ति दे ताकि मेरी तरह लड़ाई लड़ सके। क्योंकि भारत के पिछले 10 सालों में 22 राज्यों में घूम घूमकर 60,000 से अधिक हेलमेट बांट चुका हूँ और 35 लोगों की जिंदगी बचाया हूँ, जो मेरी लड़ाई अभी भी जारी है। हरिद्वार में आगामी कई दिनों तक प्रस्तावित VVIP कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने संगन चेकिंग अभियान चलाया। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आगामी 23 दिसंबर हरिद्वार दौरे को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन दिखा। महामहिम उपराष्ट्रपति आचार्य पीठ पर पद स्थापना के दिव्य 25 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीदत्त जयंती के अवसर पर दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिसको लेकर पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध वस्तुएं, व्यक्तियों और वाहनों की गहराई से तलाश की जा रही है। देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति का तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा अपमान करने पर जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के कार्यकर्ताओं ने रानीपुर मोड़ पर पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार के अध्यक्ष चौधरी देवपाल सिंह राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा संसद भवन के बाहर जिस तरह से देश के संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ का अपमान किया गया है, वो किसी भी रूप में माफी के लायक नहीं है, जिसका जाट महासभा पंचपुरी हरिद्वार घोर निंदा के साथ विरोध भी करती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वो अपमान केवल देश के उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभापति का नहीं है, बल्कि उसे जाट किसान के परिवार से आए व्यक्ति, जिसने अपने खुद के संघर्ष से अपनी प्रतिभा के बल पर यह पद प्राप्त किया है, के साथ समस्त जाट बिरादरी का है, जिस किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार के द्वारा ऐसी अमानवीय व्यवहार करने वाली संसद को कड़ी सजा नहीं दी गई और कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो जाट समाज देश के जाट बिरादरी की पंचायत बुलाकर इस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। हरिद्वार में उपराष्ट्रपति सहित कई भाजपा के बड़े दिग्गज और कई VVIP के आगमन को लेकर IG गढ़वाल और SSP हरिद्वार सहित अन्य आला अधिकारियों ने पुलिस बल समेत अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को ब्रीफ किया, सुरक्षा व्यवस्था के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिस रूट लाइन से महामहिम जाएंगे वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी। महामहिम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हेलीपैड पर भी सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है, साथ ही कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया गया है। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री किए जाने के मामले में लगातार तोल पकड़े हुए हैं। TMC सांसद कल्याण बनर्जी की ओर से उनकी मिमिक्री किए जाने पर दोनों सदनों से 146 विपक्षी सांसदों को निलंबन किए जाने के बाद दोनों पार्टी आमने सामने आ गई है।
उत्तराखंड प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने मिमिक्री पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है, फिल्म स्टार से लेकर राजनेताओं की मिमिक्री की गई है, कांग्रेस नेताओं की कई बार मिमिक्री की गई है, खुद देश के प्रधानमंत्री संसद परिसर में कांग्रेस नेता की मिमिक्री कर सकते हैं, उन पर सवाल खड़ा नहीं किया गया। भाजपा सरकार संसद में विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है, बेरोजगार किसानों के मुद्दे और सरकार की नीतियों के सवाल से बचना चाहती है, इसलिए संसद पर यह कार्रवाई की गई। वहीं भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस कार्रवाई को सही ठहराया है। खबर गोंडा से है, जहां सूबे के श्रम मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर दौरे पर आए। राजभर सबसे पहले सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वहां अफसरों और भाजपा नेताओं से मुलाकात करने के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। झंझरी ब्लॉक के इमरती विशेन गांव में संकल्प यात्रा में शामिल होकर ग्रामीणों से संवाद कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके बाद मंत्री ने खाद ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों से नफरत करती है और पीएम और राष्ट्रपति को विपक्ष नहीं बचा पा रही है, ना ही विपक्ष सकारात्मक राजनीति कर रही है। मंत्री ने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पूरे देश में हमारे नेता मोदी की स्वीकृति है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक अजीब बीमारी हो गई है जो सबको कहीं अलग होती है और वो उनको मुंह में हो गई है। कानपुर महानगर के सौंदर्यकरण के लिए शहर में नगर निगम द्वारा अवैध कब्जा और अतिक्रमण को साफ करने के उद्देश्य से चला रहे अभियान में कानपुर नगर निगम का दस्ता फुलबाग स्थित फुटपाथ पर लग रही फल मंडी को हटाने के लिए दल बल के साथ पहुंचे। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता देखते ही फल विक्रेता और आग बगबूला होकर नगर आयुक्त शिव सरफा का घेराव कर नारेबाजी करने लगे। तभी दुकानदारों को हंगामा करते नगर आयुक्त शिव सरनपा ने कंपनी बाग पार्क में जाकर किसी तरह आक्रोशित फल विक्रेताओं को अपनी जान बचाई। नगर उपायुक्त विद्यासागर ने बताया कि फूलबाग का सौंदर्यकरण के उद्देश्य से पहले सब्जी मंडी स्थानांतरित किया गया था और फल मंडी फुटपाथ से खाली कराने का आदेश है। सभी फल विक्रेताओं के को पास में ही जगह दी जा रही है, लेकिन फल विक्रेता जाने को राजी नहीं है। जब फल मंडी अवैध है, अवैध कब्जा वाले को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वहीं फल विक्रेता अनिल सोनकर का कहना है कि पुलिस में फल मंडी का अल्टीमेट दिया गया था, जिसके बाद कागज सभी के पास हैं। वर्तमान में फल दुकानदारों का लाखों रुपए का माल लगा है। नगर निगम जिस जगह दुकान लगाने की अनुमति दे रहा है, उस जगह पर कूड़ा गंदगी है, वहां पर ग्राहकों का आना नहीं होता। फल दुकानदारों ने बताया कि वो लोग किसी भी कीमत पर फल मंडी नहीं हटाएंगे, उन सभी के पास दस्तावेज उपलब्ध है। पपीते की दुकान है हमारी और ये नगर निगम के जोनल साहब श्री विद्यासागर यादव जी ये आए दिन धमकी दे रहे हैं कि मंडलायुक्त जी ने कहा है कि यहाँ से दुकानें हटाइए और ये दुकानें जो दे रहे हैं हम लोगों को दुकानें दे रहे हैं नाली के किनारे पानी की टंकी के अंदर। हम लोगों को दुकाने की डिमांड है कि यहाँ क्या नाम है पावलन राइट में दे दीजिए या तो सब्जी मंडी में शिफ्ट कर दिया जाए। नहीं सब ये फल सब्जी मंडी तो नीचे है शिफ्ट हो गई है। फल मंडी के लिए फूलबाग में जो जल निगम की ऑफिस हमारी है डंप कूड़ा डबनन उसी के पीछे जगह है, उसी के पीछे इन लोगों को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि वहां हमको शिफ्ट कर रहे हैं, वहां हमारी बिक्री नहीं होगी। बहराई जनपद के कार्तिनिया घाट वन जीव प्रभाग अंतर्गत जंगल से सटे गाँव के किनारे वन विभाग द्वारा फेंसिंग लगाने का कार्य चल रहा है। थाना सुजौली क्षेत्र अंतर्गत कार्तिनिया घाट रेंज के नव सृजित राजस्व गांव नई बस्ती टेढ़ी ग्राम पंचायत चहलवा में आज महिलाओं ने फेंसिंग कार्य का विरोध कर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की।
वहीं महिलाओं का कहना है कि वन विभाग मनमानी कर रहा है। वो अपने जंगल के दायरे को छोड़कर गांव जमीन पर फेंसिंग कर रहा है। गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली भूमि विकास कार्य, मनरेगा से बने नए रास्ते को वनकर्मी बंद कर रहे हैं। साथ ही गांव के अंदर फेंसिंग किया जा रहा है, जिसको लेकर सुबह एकत्रित गाँव की सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 15 दिसंबर की शाम को एक शादी समारोह से लौट रहे बुआ और भतीजे को इन 5 आरोपियों ने कट्टे के बल से घायल कर नकदी और जेवर लूट ली थी। इन 5 आरोपियों के पास से महिला से लूटी हुई ज्वेलरी, नकदी के साथ 12 बोर का तमंचा और पल्सर बाइक, साथ ही मारुति स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। इन 5 आरोपियों पर पहले से कई थानों में लूट जैसी घटनाओं में मुकदमा दर्ज है। देखिए, थाना बिठूर क्षेत्र में अभी 15 तारीख में एक घटना हुई थी, जिसमें शादी से लौट रहे बुआ और भतीजे को बाइक सवार कुछ लोगों ने उन्हें रोका था, उनके साथ मारपीट की थी और जो उनका फोन था और कुछ जो ज्वेलरी थी वो भी छीनने के आरोप लगे थे। इस घटना के नामण के लिए तत्काल थाना बिठूर पर और जो सर्विलांस टीम है उसको एक्टिव कर दिया गया था, टीमें गठित करी गई थी। उनके क्रम में आज थाना बिठूर को सफलता मिली है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 3 अभियुक्त वो भी हैं जो इस बिठूर वाली घटना में शामिल थे। कानपुर विकास प्राधिकरण में उस समय हड़कंप मच गया जब केडीए का भार संभाल रहे कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी से मिलने आए बिल्डर पर अभद्रता के आरोप लगाते हुए मौजूदा सुरक्षा में तैनात पुलिस ने बिल्डर को हिरासत में लेकर थाना स्वरूप नगर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक विकास गर्ग ने बताया कि उसकी जमीन पर पनकी स्थित गंगागंज कॉलोनी केडीए द्वारा कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही है। जब बिल्डर ने उसका विरोध करते हुए और केडीए को काम करने में रोका तो पीड़ित विकास कर का कहना है कि सन 2016 से हमारी जमीन है। केडीए को पनकी स्थित गंगागंज महावीरपुरम विस्तार योजना के तहत हमारी जमीन अधिग्रहण नहीं हुई थी, जिसके कागजात हमारे पास हैं और हाईकोर्ट के आदेश भी हमारे पास हैं। उसके बाद भी लगातार केडीए उनकी जमीन पर प्लॉटिंग और सड़क का निर्माण कार्य करा रहा है। आज अपने कुछ लोगों के साथ मैं केडीए ऑफिस गया और केडीए का अतिरिक्त पदभार संभाल रहे विशाख जी अय्यर से न्याय की गुजारिश की तो केडीए के ही कुछ अधिकारी आए और जिलाधिकारी से बोले कि ये सरकारी निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने अपने कर्मचारियों से मेरे ऊपर अभद्रता का झूठा आरोप लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जिलाधिकारी की शिकायत पर आरोपी विकास कर से पूछताछ की जा रही है। हमारी पनकी गंगागंज में स्थित जमीनों पर कानपुर विकास प्राधिकरण जबरदस्ती कब्जा कर प्लॉटिंग और सड़क निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके लिए सन 16 से हम कार्य को रोक रहे हैं। इससे संबंध में हमारे पास में हाईकोर्ट का ऑर्डर है, जमीन हमारी अधिग्रहित नहीं है। यहाँ पर हमने सिविल कोर्ट में FTC में हमारा मुकदमा जो है वो लंबित है। KDA ने हमारे ऊपर जो है वो SDM कोर्ट में एक मुकदमा किया है, जिसमें यथास्थिति का आदेश है। इन सब के बावजूद जो है वो यथास्थिति के आदेश होने के बावजूद, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए ये जबरदस्ती जो है वो वहाँ पर कुछ ना कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं। देख भाजपा विधायक भड़क गए, साथ ही विधायक ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को फटकार लगाई। अलीगंज विधायक सत्यपाल सिंह राठौर ने जैथरा में निर्माणधीन यूनिट का आकस्मिक निरीक्षण किया। जैथरा में निर्माणधीन यूनिट में मानकों से खिलवाड़ किया जा रहा था। आरोप है कि घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। भवन के कॉलम और बीम भी मानक अनुरूप नहीं थे। गुमराह करने को ठेकेदार ने बालू के ऊपर मोरांग डाल रखी थी। निर्माण में कच्ची गिट्टी का उपयोग किया जा रहा था। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की जिंदगी से भी ठेकेदार खिलवाड़ कर रहा था। बिना सेफ्टी किट के निर्माण कार्य में मजदूर जुटे हुए थे। मानकों को ताक पर रखकर निर्माण होने पर विधायक ने प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन कर फटकार लगाई। साथ ही विधायक ने निर्माण गुणवत्ता की जांच को लेकर शासन को पत्र लिखा है। प्रयागराज के विधानसभा प्रतापपुर के याकूबगुर गांव निवासी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रमोद सिंह पटेल सहारनपुर पहुंचकर कांग्रेस के यूपी जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक भी यूपी जोड़ो यात्रा में शरीक हुए। आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने
प्रयागराज जनपद के विधानसभा प्रतापपुर के याकूबपुर गांव निवासी पूर्व विधायक जंग बहादुर सिंह पटेल के बेटे प्रमोद सिंह पटेल यूपी जोड़ो यात्रा में इनका नाम नामित किया गया था। पार्टी में जोड़ने के बाद प्रमोद सिंह पटेल को पार्टी की मजबूती के प्रति जिम्मेदारी दी गई थी। इसी कड़ी में उन्होंने अपने भारी संख्या में समर्थक के कारवों के साथ यूपी जोड़ो यात्रा में सहारनपुर में शामिल होकर पार्टी की मजबूती के लिए समर्थकों के साथ संकल्प लिया है। प्रमोद सिंह पटेल प्रतापगढ़ जनपद से पूर्व में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हें पहले 2.25 लाख मत मिले थे। यूपी जोड़ो यात्रा में श्री पटेल के साथ प्रयागराज जनपद के विभिन्न विधानसभाओं से भारी संख्या में लोग उनके कारवा में शामिल हुए। झांसी में स्थानीय नगर पालिका परिषद द्वारा नगर के सोमवार की हट पर ओपन जिम के बगल में निर्माणाधीन नाला अपने निर्माण के प्रारंभिक चरण में ही भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। निर्माण में मानकों को ताक पर रखकर नाला निर्माण कराया जा रहा है। इस निर्माण में मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाला निर्माण में एक तो द्वितीय श्रेणी के गिट्टी का खुला प्रयोग हो रहा है, दूसरे बालू सीमेंट का अनुपात भी मानक के पूरी तरह विपरीत है। सीमेंट का उपयोग नाम मात्र के लिए किया जा रहा है और इसके साथ ही डस्ट का प्रयोग भी टिकाऊ नाला निर्माण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। नाला निर्माण में मानक के विपरीत मसाले में अधिक मात्रा में डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अनुपालन करने में रुचि नहीं ली गई है, फलस्वरूप मानकों को धत्ता बताते हुए नाला निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य में मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। निर्माण के साथ ही इस नाले के निर्माण में अनियमितता के आरोप लगने लगे हैं। कस्बे के जागरूक लोगों ने नाले में मानक के विपरीत कार्य करने पर जांच करवाने की मांग की है। जागरूक लोगों ने निर्माण कार्य को लेकर असंतोष जताते हुए जिलाधिकारी से उप निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में जब नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अरविंद कुमार से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि यदि मानक के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है तो ठेकेदार के विरुद्ध जांच की कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में सड़क पर शव रख कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दरअसल दुर्घटना में युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन किया। ग्रामीण हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर अड़े रहे। गुस्साए ग्रामीण और परिजनों को समझा बुझाकर पुलिस ने रास्ता खुलवाया। मृतक पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम बैदा बकफुरवा का था। श्रावस्ती में डीएम कृतिका शर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग का परिवर्तन अभियान जारी है। अवैध मद निष्कर्ष एवं अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में उलहवा और भयपुरवा जंगल के घरों में दबिश दी गई, जहां 45 लीटर अवैध कच्ची शराब और 300 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। 3 अभियुक्त पर आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। मामला भिनगा कोतवाली क्षेत्र के भयपुरवा और उलहवा का है। यूपी के फतेहपुर में जिस प्रकार भारत सरकार एआई टेक्नोलॉजी पर विशेष प्रकार से बढ़ावा दे रही है और आने वाले भविष्य एआई तकनीकी का होगा, सरकार की मंशा के अनुसार इस तकनीकी से भ्रष्टाचार करप्शन से निजात मिलेगा और देश के अर्थव्यवस्था में सुधार भी आएगा। आज फतेहपुर जिले के शादीपुरा चौराहे स्थित द्विवेदी रेस्टोरेंट में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के भविष्य तकनीकी के प्रयोग के विषय पर विजन ग्रुप कानपुर द्वारा एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें तकनीक के प्रयोग द्वारा शैक्षणिक कार्य में किस प्रकार सुधार किए जा सकते हैं विषय पर जानकारी दी गई। इस सेमिनार में नगर के प्रमुख इंटर कॉलेज के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने प्रतिभाग लिया। परिचर्चा पर शुभारंभ करते हुए विजन ग्रुप कानपुर के निदेशक ग्रुप कैप्टन राजीव वैशया द्वारा बताया गया कि जहाँ अन्य क्षेत्रों में तकनीक का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, वहीं शिक्षा क्षेत्र में अभी तकनीक के माध्यम को पूर्ण रूप से अंगीकार नहीं कर पाया गया है। उन्हें कई उदाहरण देकर समझाया कि शैक्षणिक कार्यों में तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता और शिक्षा का स्तर किस प्रकार बढ़ सकता है। सोचिए, ई रिक्शा और रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक बदमाश हो, यही नहीं वो रिक्शा चलाने की आड़ में घरों की रेकी करता हो और मौका मिलने पर पूरे गिरोह के साथ मिलकर तालाबंदी घरों पर धावा बोलकर पूरे घर को साफ कर देता है। ऐसे ही बदमाशों की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी शुरू की।
बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग झोंक दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश भाग गया। सीओ सिटी बीनू सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान कोतवाली नगर क्षेत्र के सितमुल फैक्ट्री के पीछे जंगल में कुछ बदमाशों के छिपे होने और आपराधिक घटना को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सुतमिल फैक्ट्री के पीछे पहुंचकर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई। पुलिस टीम को देखकर गिरफ्तारी से बचने हेतु बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। विगत दिनों से यहाँ पे बाराबंकी के कोतवाली नगर और जहांगीराबाद क्षेत्र में बहुत सारी चोरियां नकबजनी के साथ की जा रही थी, जिसको लेकर के हमारी थाना कोतवाली नगर की टीम और थाना जहांगीराबाद की टीम और स्वाट प्रभारी अपने टीम के साथ लगातार इस पे सतर्कता बनाए हुए थे। इसी में सूचना मिली कि बीती रात को कि सुतमिल जो यहाँ पर ये तिराहा है उसके पीछे जंगल में कुछ लोग, चार पांच लोग बैठे हैं जो किसी घटना कारित करने के लिए। संभवतः मुखबिर ने बताया कि इस तरह से वो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, जिसकी सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और वो लोग पुलिस टीम पर हमलावर हो गए, फायरिंग किए, जिसपे जवाबी फायरिंग में आत्मसुरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा फायर की गई। एक तरफ जिले के तेज तर्रार जिलाधिकारी कप्तान और डीएफओ जंगल कटान पर रोक अंकुश लगाने के लिए जरूरी कसरत करते दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के मदहतों के मिली भगत से जिले के 450 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले सुहेल देव वन जीव प्रभाग के अंधाधुन वन कटान देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही नजारा दो दिन पहले हरैया सतघरवा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहाँ सुहेलवा वन विभाग के अंतर्गत इलाके में एक जगह वन माफियों ने संगौन के कई पेड़ों को काट डाला। पुलिस और वन विभाग के कर्मियों को लाइन देकर थाना परिसर में कुछ दूर स्थित सहसिनिया गांव में एक जगह पर 20 बोटे लकड़ी को एकत्रित भी कर लिया। तभी नेपाल सीमा पर सुरक्षा में लगे एसएसबी जवानों की सूझबूझ से जंगल कटान करके बेशकीमती सागौन लकड़ी के 20 बोटों को बरामद कर लिया गया। इस दौरान कटान के काम में संलिप्त रहे एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। गोरखपुर के दक्षिणांचल क्षेत्र सिकरीगंज में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूली बस ने पेड़ में टक्कर मार दी और खाई में गिर गई, जिसके बाद यूएस सेंट्रल एकेडमी की बस गड्ढे में गिर गई। वहीं हादसे में 20 बच्चों के घायल के साथ ही 3 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। हादसे के बाद मौके पर एम्बुलेंस पहुंची। आरोप है कि चालक नशे में था, जिसे यह हादसा हो गया। वहीं मामले को लेकर अभिभावकों में आक्रोश और अफरा तफरी का माहौल बन गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर पूर्व बाहुबली सांसद एवं राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, वो लोकतंत्र के बड़े अधिकारी हैं। उन्होंने भारत सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व बाहुबली सांसद डीपी यादव ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति का इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति लोकतंत्र के बड़े अधिकारी हैं और ऐसे में लोकतंत्र में किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। डीपी यादव ने विपक्ष की भूमिका को लेकर कहा कि विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष ही बेहतर जान सकता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष का मतलब है कि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ देश की तरक्की के लिए, समाज को ताकत देने के लिए, गरीबों और किसानों को आगे लाने के लिए तथा समय समय पर आवाज उठाना ही विपक्ष की जिम्मेदारी है। डीपी यादव के हसिया पर चले जाने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि उनका जलवा आज भी कायम है। उन्होंने हमेशा जनता की सेवा की है, जनता के लिए काम किया है और भविष्य में जनता की सेवा तथा जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी अच्छे कार्य किए हैं, जनता उन्हें वोट करेगी। तीन राज्यों में बीजेपी की जीत पर बोले उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य किए होंगे इसलिए उन्हें जीत मिली है। साथ ही डीपी यादव ने भारत सरकार के कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। देखिए, उपराष्ट्रपति लोकतंत्र पहले के एक बड़े अधिकारी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो उनका अपमान तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है कि अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। जहां तक उपराष्ट्रपति की बात है,
वो तो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही बड़ी स्थिति के लोग हैं, इसलिए किसी का भी अपमान तो कहीं किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।